हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट वन से मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड नीड्स। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, groups and organizations select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. Consumer behavior एक study है किसी भी individuals का, group and organizations का, जो select करता है and use करता है and dispose करता है किसी ideas, goods and services का, उसका needs and wants को सेटिस्फाइड करने के लिए। इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। ये रेफर्स करता है किसी कंज्यूमर्स का एक्शन को इन द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में, एंड द अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस। और ये अंडरलाइंग करता है उसका एक्शंस के लिए। अकॉर्डिंग टू एंगल, कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर एक एक्शन है और डिसीजन प्रोसेस है ऑफ पीपल, पीपल का, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। बहुत से फैक्टर्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, इन्फ्लुएंस करता है। अंडर गोज अ कॉन्स्टेंट चेंजेस, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट चेंजेस करता है। वेरियस फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंज्यूमर टू कंज्यूमर पे। इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट टू द मार्केटर। कंज्यूमर बिहेवियर का इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी मार्केटर्स के लिए। लीड्स टू परचेज डिसीजन, और ये परचेज डिसीजंस को लीड करता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिहेवियर यानी कि इंफॉर्मेशन लेता है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग, ये भी इनका स्कोप है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर बिहेवियर आपका गवर्नमेंट डिसीजन पे भी इफ़ेक्ट करता है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर एजुकेशन, उनके बिहेवियर और उनके एजुकेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन पॉलिसीज़, उनके प्रोडक्शन पॉलिसीज़ पे भी बिहेवियर देखा जाता है। प्राइस पॉलिसी क्या होगा वो कंज्यूमर का बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। डिसीजन रिगार्डिंग चैनलाइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनलाइज का डिसीजन लिया जाता है। रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन, पर सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग भी डिसीजन लिया जाता है कि सेल्स प्रमोशन कैसे कैसे करने हैं। रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट का रैपिड जल्दी से इंट्रोडक्शन करना, मार्केट में लॉन्च करना। इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना। कंज्यूमर डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग कंज्यूमर का नीड्स को, वांट्स को स्टडी करना। क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का नीड्स को क्रिएट करना, वांट्स को क्रिएट करना और उसे रिटेंशन करना। कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर्स कौन है उसको जानना, उसका क्या कमी है उसको, उस चीज़ को एनालाइज करना। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, डेवलप करना। डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट, और मार्केट का डायनेमिक जो नेचर है उनको एनालाइज करना, उसको देखना।
इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का अलग अलग यूज़ करना, इफ़ेक्टिव यूज़ करना, अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल्स को अचीव करना, उस पर फोकस करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।